ऐसे घुम सुम है, टेंशन हो रही, मम्मी चली गई यहाँ, इसलिए टेंशन है। क्या खाने दो? हलवा? अभी तो कल तूने परसों हलवा खाया है, फिर हलवा चाहिए? तो अब तो कोई टाइम भी नहीं है ना, हलवा शाम को बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो बैक टू माय चैनल, तो आपका स्वागत है एक न्यू व्लॉग में। तो आदि को फिर हलवा की लगी है कि हलवा चाहिए। कल भी इसने मुझे कल परसों धमकी दी थी कि हलवा बनना चाहिए, इतना मैं ट्यूशन से ना जाऊँ। तो मैंने इसको इतने ट्यूशन से आया था, इसका हलवा बना के रखा हुआ था, लेकिन आज फिर मांग रहा है कि हलवा चाहिए। इस बात की टेंशन हो रही कि हलवा चाहिए क्या? तो और सुबह के 11 बजे गए, तो अभी मुझे सब्जी बनानी है, तो कुछ सब्जी नहीं बनी है कि आदि की आज छुट्टी है, तो इसलिए सब्जी मैंने कोई बनाई नहीं, खुजाना खुजाना। तो अब सब्जी बनाऊंगी, 11 बज गए। और स्वाद आज बनेगी सब्जी पे, क्या बनाना है आदि? खा लेगा? नहीं खाएगा क्यों? बहुत स्वादिष्ट बनती है, अच्छी लगती है। चिकन भी फेल है उससे आगे तो हाँ, क्या बनेगा? तो आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन, तो काफ़ी अच्छी लगती है। वैसे कई बार मैं बना चुकी हूँ सोयाबीन की सब्जी, अच्छी लगती है खाने में, टेस्टी बनती है एकदम। तो आज फिर बना रहे हैं, सब्जियाँ तो बहुत सारी रखी हुई हैं, पर इनका मन था कि आज सोयाबीन की सब्जी बननी चाहिए, बस चलो वही आज सोयाबीन ही बनाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ, क्योंकि उसको भिगा के रखना है, अभी भिगाई भी नहीं है मैंने, तो उनको भिगा देती हूँ, उसके बाद फिर उनको बनाऊँगी। इतने वो भिगेंगी, इतने टमाटर वगैरह मैं काट के कट करके रख लूँगी। क्या आदि, क्या है, पागल हो गया क्या? नहीं मैंने भिजा रही, तो उनको मैं कट करके रखती हूँ, भिगा के रखती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि आधा घंटा उन्हें भिगाऊंगी, आधा एक घंटा तो लग ही जाएगा भिगने में। और अभी नहा के आई हूँ, नहाने में भी लेट हो गई आज तो भैया। और आज तो घर में से हवा, अभी तक तो ठंडी हवा है, वरना बहुत गर्मी पड़ रही है यार। अभी फिलहाल तो अभी ठंडा है मौसम, वैसे धूप तो बाहर बहुत तेज निकल रही है, ये देखो यहाँ से दिख भी नहीं रही होगी। क्या करा था तुमने? चिकवा भरा था मेरे, चिकोटी बदकर यार। तो चलो मैं करती हूँ, अपने उसकी तैयारी करती हूँ, और टमाटर वगैरह ले लेती हूँ फ्रिज में से, तो वो अपने तैयारी करते हैं, तो थोड़ी देर में मिल रही हूँ मैं। अभी फिलहाल मैं पहले इनको भिगा दूँ सोयाबीन को, ये लेके आई थी। तो गाइस ये आई है सोयाबीन, तो आज हम इसकी बनाने वाले हैं सब्जी। आप देखते हैं इसको, तो सब्जी बनाएंगे आज सोयाबीन की, और बड़ी टेस्टी लगती है ये वाली सब्जी। तो मैं देख लेती हूँ एक बार फिर, कुछ है तो नहीं। हाँ यार सब सही है, तो इन्हें मैं एक घंटे भिगाऊंगी। तो इनको मैंने ले लिया है एक कटोरी के करीब, तो एक घंटे भिगा के रखना है इनको भी। तो इसमें पानी डाल देते हैं, और आज इसकी सब्जी बनानी है, और बड़ी स्वादिष्ट बनती है। तो चलो मैंने ये तो भिगा दी है, इनको एक घंटे भिगा दूंगी, और ढक के रख देते हैं इसको, जिससे कोई कीड़ा वगैरह ना डल जाए ऊपर से, क्योंकि आजकल बहुत डर हो रहा है, ये छिपकलियाँ बहुत घूमती है। तो ये इसको मैंने रख दिया है भिगा के, तो इतने में और तैयारी करूँगी अपनी, जैसे टमाटर है और प्याज है, इनका पेस्ट बनाना है। आदि पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई में कैसे बैठा है, तमीज में बैठ, हाँ ढंग से बैठ और पढ़ाई कर, इतने में अपने और काम करती हूँ, अभी मुझे करना है। तो फिर चलो ये तो भिगा दिया है, उसके बाद फ्रिज में जाना है, तो फ्रिज में से मुझे टमाटर निकालने हैं। और अरवी रखी तो हुई थी, तो सोच रही थी कि अरवी बना लूँ, लेकिन दिमाग में आया यार इससे तो मैं फिर वही बना लेती हूँ। और मेरे जो फ्रिज की लाइट थी वो सही हो गई है, फ्रिज की लाइट पता नहीं कैसे हो गई थी, ये सही हो गई है। कद्दू रखा हुआ है, बैंगन रखा हुआ है, और इसमें हरी मिर्ची है, तो हरी मिर्ची, टमाटर निकाल लेती हूँ। तो
चार, क्योंकि इसमें चार टमाटर डालने हैं मेरे को, जो सोयाबीन के हाजा भाई हाथ में नहीं आ रहे हैं यार, तो चार टमाटर मैंने ले लिए हैं। तो हरी मिर्च बाहर रखी हुई है मेरी, मेरी तो वहां से लूंगी। तो चार टमाटर तो इतने मेरी ये फूलेंगे, इतने इनकी तैयारी करूंगी मैं। तो वही चार टमाटर ले लिए मेरे, इनको वॉश कर लिया, और मिर्ची ले लेती हूँ पांच छह यहाँ से क्या। तो ये पांच छह मिर्ची लेनी है, तो इन्हें पहले कट करूंगी। क्या हो गया क्या? तो इन्हें बैठ के बाहर बैठ के पंखे में कट करती हूँ। और क्या है कि लाइट है नहीं यहाँ पे, क्यों? और लाइट हमारी एक हफ्ते हो गया है, बहुत परेशान करा हुआ है। तो मेरा जो ये था मिक्सी का, ये वैसे तो टूटा हुआ है हल्का सा, मेरा एक टूट गया चढ़ गया, काम तो करता नहीं है क्या। काटेगा ऐसे थोड़ी नहीं होगा ये साबुत। लो देखो ये काम कर रहा है, देखो साबुत इसको काटेगा तब इसमें डलेगा, बहुत बारीक बारीक काट इसमें, ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो मैंने काट के फिर इसको करूंगी, ये टूट गया है तो इसमें काम नहीं करूंगी, हाँ ये कट जाएगी। लेकिन इसका वो तो काट दे, दिमाग नहीं है क्या बिल्कुल भी? तो आज ही लग रहा है करने के लिए, हो गया नहीं हो तो चलो इसे करते हैं, तैयारी करते हैं। सोयाबीन को मैंने भिगा दिया, इतने मैं टमाटर अब गैस करूंगी, इतने सोयाबीन मेरी फूल जाएगी। तो इनको बनाते हैं, आप देखते हैं कैसी बनती है सब्जी। वैसे आपके साथ मैं पता नहीं रेसिपी शेयर कर पाऊंगी, तो देखती हूँ। तो यहाँ पे मैं टमाटर काटने लगी हूँ, और हरी मिर्च इसी में ही काट लूंगी। और ये मेरा जो जार है ये थोड़ा सा टूट गया है, तो इसलिए काम नहीं करता, और लाइट आ नहीं रही थी। तो वही मैंने बताया था कि एक हफ्ते से लाइट सुबह चली जाती है और शाम को 4 बजे तक आती है, तो वो बहुत परेशान कर रही है। तो इस बीच में सब्जी भी मेरे को बनानी थी, तो फिर मैंने इसी से ही काम कराया। चलो भाई इससे ही कर लेती हूँ जब नई लाइट आ रही है, तो इसमें ही मैंने धीरे धीरे, चलो भाई दोनों ने, मैंने और आदि ने दोनों ने काम किया इससे। फिर चल कसु कैसा लग रहा है? सही चल रहा है? टाइट चल रहा है? टाइट तो चलेगा जिन समय डाला था। हाँ ऐसे उंगली से कर, अपनी उंगली मत काट लेना कभी, इसमें अपनी उंगली काट ले। जा रही हूँ बाथरूम में, क्योंकि मुझे वहाँ से, मैंने सिर धोया था, तो रबड़ बैंड लेने आई हूँ। तो क्योंकि मेरे बालों में क्या खुल रहे थे, तो किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, और फिर बाल गिरने का भी डर रहता है कि भाई शायद कोई बाल गिर जाए, सब्जी बना रही हूँ। तो वही पहले मैन तो खैर बाल गिरने का नहीं था, मैन था कि गर्मी लग रही थी, तो इसीलिए मैं अपना रबड़ बैंड लेने के लिए आई हूँ, और अपने बालों को बांध लिया है, उसके बाद हाथों को धो के तब लगूंगी सब्जी बनाने के लिए। तो सब्जी हाथ धो गए हैं मेरे, उनको धो लिया है,
तो अब सब्जी बनाऊंगी और मैंने इसमें जैसे तेल चढ़ा के गई तो इतने वो गर्म हो चुका है, तो उसमें फ्राई करूंगी इसे। पहले भून लूंगी सोयाबीन को, तो उसमें मैंने सोयाबीन डाल दी हैं, तो 2-4 मिनट के लिए इन्हें भूनूंगी, तल दूंगी उन्हें। तो सोयाबीनों को तल लिया है और इतने मैं अपने जो भी छोटे मोटे काम हैं, सामान रखना है तो वो रख देती हूँ। तो सोयाबीन मेरी मतलब हो रही है, इतने भुन रही है वो, तो यहाँ पे मैंने अपने ये सोयाबीनों को चला दिया है, तो ये भुन रही है, उनको तल दिया है और थोड़ा ही तेल चढ़ाया था, तो जिससे कि इनमें पूरा बेस हो जाएगा, तो पूरा इसमें मिक्स हो चुका है। तो उसके बाद मैं इनको निकाल लूँगी अपने सोयाबीनों को। तो सब्जी मेरी छुक गई है, तो इसमें मैंने पहले प्याज डाला था, उसके बाद प्याज भुनने के बाद हरी मिर्ची, ओ सॉरी, टमाटर का पेस्ट डाला है। तो टमाटर को भून के उसमें फिर हल्दी मिर्च और कलर वाली मिर्च, नमक, इनको सभी को ऐड कर दिया है, मसालों को। तो इसको हल्का सा भून के और भुनने के बाद इसमें पानी डाल ऐड कर दूंगी, और मेरा नमक ख़त्म हो रहा है, और ये आदि इतना परेशान कर रहा था मेरे को, तो उस पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था वो। तो इसमें मैंने नमक ऐड कर दिया है उसके बाद, और ये हलवा का जो जिद कर रहा था, जैसे हलवा रखा हुआ था, तो वो हलवा मैंने इसका गरम कर दिया है। मैं चलो भाई गरम कर देती हूँ, तो इसका हलवा भी साथ के साथ तैयार कर दिया है। थोड़ा लिक्विड मतलब ज़्यादा टाइट हो रहा था फ्रिज में रख के, वो गरम कर जो हुआ है तो उससे थोड़ा सा सही हो चुका है वो, और ठंडा ये बिल्कुल भी नहीं खा रहा था। मैं इससे कह रही थी कि गर्मी हो रही है, चल ठंडा ही खा ले भाई, तो लेकिन नहीं, आदि को गर्म चाहिए, तो इसको गर्म किया है मैंने। और अपनी सब्जी जो बनाई है मैंने सोयाबीन की, उसमें पानी ऐड कर दिया है मसाले भुनने के बाद, और इसका हलवा भी साथ के साथ कर रही हूँ। और हलवा है कि जैसे वो मैंने इतने दूसरी सब्जी में लग रही थी, तो ये चमचा था बहुत गर्म हो चुका था गैस पे, तो उसको मैंने कपड़े से पकड़ा है क्योंकि मेरा हाथ जल चुका था। तो दोनों सब्जियां बन के मेरी, मतलब दोनों सब्जी नहीं, एक पे हलवा और एक पर सब्जी, तो दोनों काम मेरे चल रहे हैं साथ के साथ, और ये वो इतना परेशान कर रहा है मेरे को किचन में। तो ये इसने अपना हलवा डाल लिया है, चल अपने आप डाल ले भाई, तो ये डाल के अपना हलवा लेके चला जाएगा। और आप भी खाइए गाइस हलवा, लेकिन और सब्जी मेरी अभी बन रही है, उसके बाद सब्जी के बाद फिर टेस्ट करके देखते हैं कैसी बनी है कैसी नहीं, लेकिन अच्छी बनी थी, मैंने टेस्ट करी थी। चल रही है मेरी आंखों में मिर्ची लग रही बहुत तेज वाली, कि प्याज मेरी हालत खराब हो जाती है, और आदि का हलवा चल रहा है, हलवा भी बन गया जल्दी है, अरे बन गया हलवा, अभी रखा हुआ था फ्रिज में हलवा, उस दिन जो बनाया था एक एक बार हमने खाया, तो किसी ने खाया भी नहीं उसको, और ज्यादा बन गया था।
तो अब फिर खाया है ये, वही गरम करके थोड़ा सा पतला करके दे दिया है उसको। मीठा सही है, ज्यादा लग रहा है? ज्यादा है, मैंने और डाल रहा था ना। और आंखें नहीं खुल रही है, क्या हो गया? तेरी आंखों में मिर्च लग गई है? मिर्ची लग गई है, मिर्ची। चलो तो थोड़ी देर में मिलते हैं, क्योंकि मिर्ची लगी है। अपनी आंखों को पहले हम पहले अपनी आंखों को संभाले। इसके देखो इसका खाने का तरीका, मैं हूँ भाई उछाल के और ऐसे खा रहा है। ये देखो आ जाता हूँ मैं, पूरा खिलाड़ी हो रहा है अभी भी। ओ नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया अभी भी। आ गया आदि, तो खिलाड़ी बन गया पूरा। ये देखो तो चले खा रहा है, उछाल उछाल के और मुँह में जा रहे हैं। मैंने भी हलवा खा लिया, ज़्यादा मीठा बन रहा है ना, चीनी घनी हुई है तो हलवा खाया है। और सिर धोया तो मैंने, बांध लिए बाल ऊपर, गर्मी में मुँह भी नहीं खोले जा रहे हैं, बाल तो आजकल ऐसे लगता है बाल खुलते तो पता नहीं क्या हो गया। और मैं देखती हूँ अपनी सब्जी जाती जो बनाई है, क्या हाल चाल है उसके। सब्जी के हाल चाल देखते हैं, ये देखिए तो सब्जी मेरी बन गई है और हलवा भी बनाया था साथ के साथ। तो सोया वाली सब्जी बन गई है और अभी थोड़ा सा इसमें इसको मैं लेके देखती हूँ, इसका नमक टेस्ट करके देखते हैं कि क्या है। इसमें मैंने मसाला डाल दिया, गरम मसाला, गरम मसाला। आज बना दो तेरा खाना, खाने का टाइम हो गया, 12 बज गए, बनाते बनाते मेरे को 12 से ऊपर का टाइम हो रहा है। तो सभी लोग आने वाले हैं खाने वाले, थोड़ी सी मैं ले रही हूँ टेस्ट करने के लिए, टेस्ट करते हैं थोड़ा सा। ये ले लिए कटोरी में, क्या कर रहा है नीचे बैठ के, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, यहाँ कहाँ चट रही है तू? अभी इधर खेलो, यहाँ पे चलो। कहाँ गई तेरी ताई? तेरी ताई कहाँ गई? घर है, अभी तो बोल रही थी खो गई मेरी ताई है। और खेत में गई तुम्हारे में, इसकी ताई? अच्छा राधिका के। अच्छा राधिका के, राधिका कौन है इनमें? राधिका, राधिका, ये राधिका है ना। आप तो आप कौन हो? आप योगिता हो? गिर गई, ओ गिर गई, गिरो मत। देखिए मैंने यहाँ पे भिंडी बनाई है, तो भिंडी को छौंक दिया है और पसीने में हालत खराब हो रही है, देखो कितना पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है बहुत गर्मी, और शाम के टाइम इतना भपका हो जाता है अंदर अंदर, तो बहुत ज़्यादा भपका होता है। तो चलो प्लान में भिंडी छोंक लेती हूँ, उसके बाद आपसे क्या फिर तो वीडियो तय नहीं कर रही है। तो सब्जी हो तो वही छौंक रही हूँ, और शाम का टाइम हो चुका है, 6 बज गए हैं शाम के, तो वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में कल, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग पर। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो मिलिए।
लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय।